तो नमस्कार साथियों, झारखंड राज्य मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना से संबंधित एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत लाभार्थियों को जो 3500 रुपए की अग्रिम राशि दी जाने वाली है वो लाभार्थियों के खाते में कब तक क्रेडिट होंगे। और दोस्तों, जो झारखंड सरकार की तरफ से अभी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है उसके आधार पर और कितने दिनों तक लाभार्थियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो पोर्टल पर किया जाएगा और लाभार्थियों को कितने दिनों तक उनके खाते में जो पेमेंट है वो रिसीव होगी, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले तो साथियों, मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डेली अपडेट के अंतर्गत जो कुल आवेदन की प्राप्ति को जो है अपडेट की जाती है उसमें कुल आवेदन प्राप्त दिनांक 15/2/2023 तक 31,98,994। यानी कि दोस्तों, इससे पहले क्या होता था कि लाभार्थियों की जो भी रजिस्ट्रेशन होती थी उसे अपडेट दो दिनों के अंदर दोस्तों किया जाता था। यानी कि दोस्तों आज जैसे 23 तारीख है तो दोस्तों 23 तारीख तक का अपडेट जो है आज के डेट में हो जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थियों का अपडेट है वो अभी 15 तारीख तक ही की गई है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को बंद किया जाएगा और जितने भी लाभार्थियों को पैसे नहीं मिले हैं ऐसे सभी लाभार्थियों को पैसे देने के लिए जो प्रोसेस है उसे शुरू किया जाएगा। जैसे कि साथियों, झारखंड किसी निदेशालय के अंतर्गत जो बात हुई है उसके आधार पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि वहां पर जो भी एग्जीक्यूटिव यानी कि जो भी अधिकारी है उनका कहना है कि जल्द ही लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो जारी है। जो लाभार्थियों का लास्ट स्टेज के अंतर्गत बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो की जा रही है और जैसे ही बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लिया जाता है तो लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आज है 23 फरवरी और लाभार्थियों को पैसे मिलने की जो संभावना है वो 25 फरवरी तक जताई जा रही है। आज के डेट में भी लाभार्थियों को पैसे मिल सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसे ही किसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है तो लाभार्थियों के खाते में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो साथियों, जैसे ही पैसे क्रेडिट होते हैं तो सबसे पहले हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। और दोस्तों, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आज के डेट में पैसे क्रेडिट होते हैं तो आप हमें जो है जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हम जो है दर्शकों को बता सके कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत दोस्तों आज पेमेंट रिसीव हुई है। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।